ढे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। बथुकम्मा फेस्टिवल जो हाल में सुर्खियों में है किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है सी यानी तेलंगाना। बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाने वाला फूलों का त्यौहार यानी फ्लोरल फेस्टिवल है। यह दशहरा के अवसर पर तेलंगाना में 9 दिनों तक महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार में माँ गौरी के फूलों के ढांचे को बनाकर उनकी आराधना की जाती है। यह त्यौहार तेलंगाना में तेलुगु कैलेंडर के हिसाब से महालय अमावस्या को शुरू होता है और विजयदशमी तक चलता है। इसमें महिलाओं द्वारा फूलों की विशालकाय आकृतियों बथुकम्मा को माँ गौरी के रूप में बनाया जाता है और उन्हें त्यौहार के लास्ट में जल में विसर्जित किया जाता है। बथुकम्मा का मतलब होता है मदर गॉडेस कम अलाइव। बथुकम्मा तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल भी घोषित किया जा चुका है। सरकार इस फेस्टिवल के पहले और अंतिम दिन को सरकारी अवकाश के रूप में भी घोषित कर चुकी है और वर्ष 2016 में इस फेस्टिवल में 9,292 महिलाओं ने भाग लेकर इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने में योगदान दिया था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीजा छूट समझौते को बहाल करने पर सहमत हो गया है जिससे अब उस देश के लोगों को भारत यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी? आपके ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भूटान या फिर डी मालदीव। इसका उत्तर है मालदीव यानी डी। भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ दिसंबर 2018 के वीजा छूट समझौते को बहाल करने पर सहमति व्यक्त कर दी है और इसके तहत मालदीव के लोगों को भारत यात्रा के लिए अब वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। दिसंबर 2018 वीजा छूट समझौते को मालदीव और भारत ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था और अब 15 अक्टूबर 2021 से मालदीव के नागरिकों को पर्यटन, चिकित्सा और कारोबारी उद्देश्य के लिए वीजा जरूरत से छूट मिलेगी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। रजिया सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रजिया सुल्तान ने अपने शासन के दौरान सिक्कों पर अपने लिए उम्दत उल निरस्वा यानी स्त्रियों में उदाहरणीय उपाधि का प्रयोग करवाया। दूसरा ऑप्शन, मंगोलों के बारे में रजिया ने अपने पिता इल्तुतमिश से हटकर नीति अपनाई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। 14 अक्टूबर को रजिया सुल्तान की पुण्यतिथि थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। रजिया का पूरा नाम जलालात उद्दीन रजिया था। रजिया के शासिका बनते ही उसे करमत और मुजाहिदों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन रजिया ने सेना की सहायता से इस विद्रोह को कुचल दिया था। यह घटना 1237 ईस्वी में घटित हुई थी। रजिया के शासन के दौरान ही रणथंभौर के पतन की घटना भी देखी गई थी। ग्वालियर के दुर्ग रक्षकों की समस्या का समाधान भी रजिया ने अपने शासनकाल के दौरान किया। उसने मंगोलों के खिलाफ सैफुद्दीन करलूग को मदद न देने की नीति भी बनाए रखी और इस मामले में रजिया ने अपने पिता इल्तुतमिश की नीति का अनुसरण किया। रजिया सुल्तान के बारे में खास बात यह भी है कि उसने अपने शासन के दौरान सिक्कों पर अपने लिए उम्दत उल निरस्वा यानी स्त्रियों में उदाहरणीय का उपाधि प्रयोग करवाया। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान दिया गया है। बी, 2020 में भारत 107 देशों में 98वें स्थान पर था। सी, 2021 की रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। या फिर डी, सहायता कार्यों से जुड़ी आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्डवाइड जर्मनी के संगठन वेल्ट हंगर हेल्प की ओर से संयुक्त रूप से इससे जुड़ी रिपोर्ट जारी की गई है। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न में दूसरा कथन असत्य है यानी भारत को वर्ष 2020 में इस सूचकांक के तहत 98वां नहीं बल्कि 94वां स्थान दिया गया था।
आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हेल्प की ओर से संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को चिंताजनक बताया गया है। भारत का GHI स्कोर भी गिर गया है। यह साल 2000 में 38.8 था, जो 2012 और 2021 के बीच 28.8 से 27.5 के बीच रहा। GHI स्कोर की गणना 4 पैरामीटर पर की जाती है, जिनमें अल्प पोषण, कुपोषण, बच्चों की वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश जैसे नेपाल 76वां स्थान, बांग्लादेश 76वां स्थान, म्यांमार 71वां और पाकिस्तान 92वां भी भुखमरी को लेकर चिंताजनक स्थिति में हैं, लेकिन भारत की तुलना में ये सभी अपने नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने को लेकर बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। और अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बाहर निकल गया है? ऑप्शंस हैं ए सोमालिया, बी केन्या, सी मोजाम्बिक या फिर डी तंजानिया। इसका उत्तर है बी, यानी केन्या। सोमालिया और केन्या के बीच सागरीय सीमा का विवाद सुर्खियों में है और इस मुद्दे पर हाल ही में केन्या ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं, उसकी सदस्यता त्याग दी है। सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के डिमार्केशन को लेकर विवाद है और विवाद का मूल कारण दोनों देशों द्वारा महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आधार पर सामुद्रिक सीमा का निर्धारण है। दोनों देशों के मध्य हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 100,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेकर विवाद है। इस क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। विवादित समुद्री क्षेत्र में ऊर्जा की व्यापक संभावना होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस मामले में रुचि ले रहा है। यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे ने सोमालिया के दावे का समर्थन किया है, जबकि अमेरिका और फ्रांस ने केन्या के दावे का। परंपरागत रूप से विवादित इस समुद्री क्षेत्र पर केन्या का अधिकार रहा है और यह विवाद इस मुद्दे पर रहा है कि दोनों देशों की समुद्री सीमा का विस्तार हिंद महासागर में किस दिशा में होगा। सोमालिया का कहना है कि उसकी सीमा उसके लैंड बॉर्डर के दक्षिण पूर्वी मार्ग की दिशा में होनी चाहिए, जबकि केन्या का कहना है कि बॉर्डर तट रेखा पर करीब 45 डिग्री का टर्न लेने वाला हो और लैटिट्यूडनल रेखा में आगे बढ़ने वाला हो, क्योंकि इससे केन्या के सागरीय क्षेत्र को अधिक हिस्सा मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। और आपके कितने सवाल सही हुए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।